बुद्धि की देवी गायत्री के प्रत्येक उपासक के लिए स्वाध्याय भी उतना ही आवश्यक धर्म कृत्य है जितना जप, ध्यान, पाठ आदि। बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञान की उपासना की बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती, मानसिक मलिनता दूर नहीं हो सकती, और इस सफाई के बिना माता का सच्चा प्रकाश कोई उपासक अपने अंतःकरण में अनुभव नहीं कर सकता। जिसे स्वाध्याय से प्रेम नहीं, उसे गायत्री उपासना से प्रेम है यह नहीं माना जा सकता। बुद्धि की देवी गायत्री का सच्चा भोजन स्वाध्याय ही है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं, इसीलिए गायत्री उपासना के साथ ज्ञान की उपासना भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है, इसीलिए स्वाध्याय अत्यंत ही आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय कहते किसको हैं, और स्वाध्याय से किस प्रकार खुद को हम जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाध्याय, कैसे जाने स्वयं को। साधना का एक महत्वपूर्ण व अभिन्न अंग स्वाध्याय है, लेकिन स्वाध्याय की प्रक्रिया में जानने योग्य पहली बात यह है कि स्वाध्याय है क्या, स्वाध्याय कहते किसको हैं, क्या केवल पढ़ना लिखना स्वाध्याय है। सामान्य क्रम में जब हम कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे हम स्वाध्याय कहेंगे, परंतु इसके साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं। स्वाध्याय जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है, इसका अर्थ स्व प्लस अध्ययन। हम ऐसा कुछ पढ़े जो हमें स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। स्व अध्ययन ही सही अर्थों में स्वाध्याय है। यदि हम कुछ भी पढ़े, जैसे हम भौतिक शास्त्र पढ़े, रसायन शास्त्र पढ़े, साहित्य पढ़े या कुछ और भी पढ़े, तो उसे हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। मनोरंजन के लिए अगर हम कुछ पढ़े तो उसे हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। लेकिन जो हम स्वयं को जानने के लिए, स्वयं से परिचित होने के लिए, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वयं का सम्यक रीति से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करे, वही स्वाध्याय है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। यदि स्वाध्याय को हो तो इष्ट की प्राप्ति होती है, इसलिए स्वाध्याय सामान्य से कुछ अधिक गंभीर व गहन प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे करते हुए हम स्वयं को जान पाते हैं, जिसे करने पर हम स्वयं का अनुभव कर पाते हैं। स्वाध्याय हमें अपनी अनुभूतियों की ओर ले जाता है, अपने व्यक्तित्व की परतें खोलता है, और धीरे धीरे हम स्वयं को जानते हुए अपनी परतों का, अपने व्यक्तित्व के आयामों का, स्वयं की चेतना का परिचय पाते हैं। अब चिंतन का दूसरा बिंदु यह है कि स्वाध्याय कैसे करें, स्वाध्याय की विधि क्या होनी चाहिए। स्वाध्याय की विधि यह है कि सबसे पहले हमें कुछ अच्छी पुस्तकों का, अच्छे विचारों का चयन करना चाहिए। हर पुस्तक हमें स्वाध्याय की ओर, स्वाध्याय के परिणाम की ओर नहीं ले जाएगी। यदि हम कोई सस्ते किस्म के उपन्यास पढ़े, कहानियाँ पढ़े, मनोरंजन के लिए पढ़े, मन को भटकाने वाली चीज़ें पढ़े, तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। हम पहले सद्विचार और सुविचार सन्मार्ग को प्रेरित करने वाले विचारों का चयन करें तो यह स्वाध्याय का पहला चरण है। संसार में अनेक भाषाएं हैं और अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथ हैं, और उन पर अनेक पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, विचार परक ग्रंथ हैं, समाजशास्त्र के ग्रंथ हैं, इस तरह बहुत सारे विषयों पर ग्रंथ हैं। तो हमें इनमें से ऐसी पुस्तकों का चयन करना है जो हमें स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करें। ऐसी पुस्तकों व विचारों का चयन करना ही स्वाध्याय की प्रक्रिया का पहला चरण है। पुस्तकों व सद्विचारों के चयन के लिए हमें सही समझ व मार्गदर्शन चाहिए, हम यह जान सके कि हम किसको पढ़ें। इसके बाद जब पुस्तक का चयन हो जाए तो हम उसे पढ़ें। पढ़ने की भी एक प्रक्रिया है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, सिंहावलोकन और विहंगावलोकन। दो तरीके होते हैं, देखने के व पढ़ने के। सिंहावलोकन का मतलब है कि सिंह की तरह हम देखें। बाहर वन में तो हम सिंह को देख नहीं सकते, घबरा कर भाग जाते हैं। लेकिन यदि हम कहीं पर सिंह को देखें, तब यह पता चलता है कि जब सिंह कहीं देखता है तो वह बड़े धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाता है, बड़े धीरे धीरे और एक एक चीज़ की बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से देखता है। उसके देखने में कोई शीघ्रता नहीं होती, और इस तरह से देखने को सिंहावलोकन कहते हैं। दूसरा शब्द है विहंगावलोकन। कभी हम पक्षियों को देखें तो यह पता चलता है कि जो पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं वो अपनी जगह पर शांत बैठे रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और ठीक उसी जगह पर चोंच मारते हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं। वहाँ पर वो क्षण भर में कीड़े को पकड़ते हैं और खाकर भाग जाते हैं। पक्षी क्षण भर में दाना पकड़ता है और भाग जाता है। वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखता, लेकिन अपनी काम की चीज़ों को ही देखता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें सिंहावलोकन और विहंगावलोकन एक साथ करना चाहिए। हम पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए कि पुस्तक में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें नोट करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। हर पुस्तक की एक विषय वस्तु होती है, एक केंद्रीय सूत्र होता है, केंद्रीय विचार होता है, जिसमें कि पुस्तक के सारे विचार पिरोए होते हैं। हम उनको कहीं नोट करें और पुस्तक का केंद्रीय विचार क्या है। दूसरी बात उस केंद्रीय विचार के साथ जुड़ी होती है, और वह है कि लेखक का मंतव्य। लेखक की, विचारक की सोच, उसकी दृष्टि उस लेखक के साथ जुड़ी होती है।
हर विचारक के, हर लेखक के सोचने का, देखने का, अनुभूति पाने का और अनुभूति देने का, अनुभूति करने का और उसे अभिव्यक्त करने का एक अपना ढंग होता है। जो भी पुस्तक पढ़ते हैं और जिन्होंने चीज़ों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा है वो इस बात को समझ पाएंगे। यह हमें पुस्तक को पढ़कर जान लेना चाहिए कि लेखक हमसे अपनी किस अनुभूति को बांटना चाहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हर पुस्तक में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उन मुख्य विचारों की अभिव्यक्ति कितने आयामों में है हमें वो कहीं लिख लेना चाहिए। अगर ये बातें हमने नोट कर ली हैं तो क्या होगा कि वो पढ़ी हुई पुस्तक हमारी स्मृतियों में और हमारे विचारों में बस जाएंगी और जब हम चाहेंगे तब हम उसके पन्ने पलट पाएंगे। इसके बाद भी हमें अपनी मौलिकता नहीं खोनी चाहिए। हर लेख में, हर पुस्तक में एक दृष्टि होती है, एक अनुभूति, एक सोच होती है जिसको कि लेखक का अनुभव करता है और उसे हमारे साथ बांटता है और उसे अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात यह है, पुस्तक या लेख पढ़ने से जो विचार व दृष्टि हम लेखक के द्वारा पा रहे हैं उनमें कुछ हमारी मौलिकता है। इसलिए पुस्तक पढ़ने के बाद जब हम उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखें तो हमें कुछ शब्दों में अपनी बातें भी लिखनी चाहिए, हमारी सोच भी उभर कर आनी चाहिए कि इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस पुस्तक की समीक्षा क्या है, यह भी हमें नोट करना चाहिए। इस तरह स्वाध्याय के क्रम में पहला चरण पुस्तक को सही ढंग से पढ़ना होगा और पढ़े हुए को सहेजना हो गया, लेकिन उसके साथ हमारी एक कार्य योजना भी होनी चाहिए। कार्य योजना अर्थात अगर इन विचारों को व्यक्ति के जीवन में, परिवार में या समाज में क्रियान्वित करें तो वो कैसे घटित होगा। इस कार्य योजना को बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि इस पुस्तक में कौन सी चीज़ें हमसे व हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे निजी जीवन को यह पुस्तक कितना प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, चलाती है, क्या करती है, इसको भी हम देखें। जब हम इस ढंग से पुस्तक की समालोचना करेंगे तो हमें एक अनुभूति प्राप्त होगी जिसमें कि हम अपने स्वयं को देख सकेंगे, अपने को जान सकेंगे और अपने व लेखक के विचारों को हम क्रियान्वित करने का तौर तरीका निकाल सकेंगे और इसके साथ ही एक बेहतर कार्य योजना बना सकेंगे जिसे जीवन में अपनाया जा सके। यह कार्य योजना बड़ी कीमती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पुराने जमाने में लिखी हुई पुस्तकें कम होती थी, गुरु मुख से सुने हुए सद्विचार ज़्यादा होते थे, गुरु अपनी अनुभूतियों को शिष्यों के साथ बांटते थे, तो उस समय हम स्वाध्याय की प्रक्रिया को तीन आयामों में बांटा करते थे, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी सम्यक श्रवण, सही सही सुनना, हम उसे सुने जो कहा जा रहा है और उसे हम पूरी एकाग्रता, पूरी तलीनता और पूरी तन्मयता के साथ सुने। पहले श्रवण के द्वारा हमने बात सुनी, इसीलिए प्राचीन युग में हमारे शास्त्र में दो ही बातें होती थी, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति यानी जो सुना गया हो, इसीलिए उपनिषदों को श्रुति कहा गया है, इसमें गुरु ने सुनाया और शिष्य ने सुना। सुनने के बाद, श्रवण के बाद मनन। मनन में वो बातें आती हैं जिनके अनुसार हमें मुख्य बिंदुओं को समझना होता है, अपने विचारों को स्पष्ट करना होता है और एक कार्य योजना बनानी होती है। कार्य योजना तभी बनती है जब हम सही ढंग से मनन करते हैं। पढ़ी हुई चीज़ें भी हमें तभी समझ में आती हैं जब उसका मनन किया जाता है। पढ़ने के बाद जिन विचारों को हम ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं निधिध्यासन। श्रवण कहते हैं सुनने अर्थात लिसनिंग को और मनन कहते हैं कंटेम्पलेशन अर्थात एकाग्रता को और निधि ध्यासन कहते हैं मेडिटेशन को, ध्यानस्थ हो जाने को, विचार को लेकर के ध्यानस्थ हो जाने को। जब पतंजलि स्वाध्याय की चर्चा करते हैं तो पहली बात स्वाध्याय के बारे में कहते हैं कि हम पुस्तक पढ़ते हैं, यह स्वाध्याय का आरंभिक चरण है, लेकिन स्वाध्याय का उन्नत चरण क्या है? इसका उन्नत चरण है मंत्र जप। यह मंत्र जप भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। उदाहरण के लिए जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बार बार मंत्र का उच्चारण करते हैं और तब उस मंत्र की गहराई में जाते हैं। मंत्र जप करने से पहले गुरु से मंत्र की दीक्षा ली जाती है जिसमें गुरु मुख से हम मंत्र सुनते हैं, यह सुनना श्रवण है। इसके बाद जब हम मंत्र जपते हैं तो उस पर मनन करते हैं। यह मनन जितना गहरा होता है, जितना सघन होता है, उतना व्यक्ति के जीवन में फलित होता है और मंत्र जब ध्यान में उतरने लगता है तो फिर मंत्र व्यक्ति की जीवन चेतना में, उसके व्यक्तित्व के आयामों में घुलने लगता है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब मंत्र निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति का मंत्र के साथ तदात्मय हो जाता है और वह अपने मंत्र के इष्ट स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र जप रहा हो तो वह मंत्र के निर्विकल्प होने पर गायत्रीमय हो जाता है। इस स्थिति के विषय में आचार्य शंकर कहते हैं कि अनंतम निर्विकल्पम। अनंत क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मंत्र का देवता, मंत्र की चेतना और साधक एकाकार हो जाते हैं, एक ही में लीन हो जाते हैं। इसीलिए स्वाध्याय साधना भी है और साधन भी है, और स्वाध्याय सिद्धि भी है। स्वाध्याय साधन है जब हम उसे अपनाते हैं, जब हम श्रवण करते हैं तो स्वाध्याय साधन हो जाता है, जब हम मनन और निधिध्यासन करते हैं तो स्वाध्याय साधना होती है, और जब निधिध्यासन के बाद अनंत निर्विकल्प में पहुँचते हैं तो स्वाध्याय सिद्धि हो जाती है। इस तरह स्वाध्याय एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका अगला बिंदु है कि स्वाध्याय के परिणाम क्या होंगे। क्योंकि अभी तक तो स्वाध्याय की प्रक्रिया हुई, फिर इसका अगला चरण क्या है, इसके परिणाम क्या हैं। अगर हम मंत्र जपते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं तो पहली बात की स्वाध्याय हमारे व्यक्तित्व की, हमारे विचारों की पुनर्संरचना करता है। इसके माध्यम से हमारा वैचारिक नवनिर्माण होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उसके विचार हैं, भाव हैं, दृष्टिकोण हैं। देखा जाए तो एक छोटे बच्चे को भी अपनी एक सोच होती है, उसका भी देखने का एक अपना ढंग होता है। वह किसी चीज़ को पसंद करता है और किसी चीज़ को नापसंद करता है, क्योंकि उसके पास भी सोच विचार का, दृष्टिकोण का, भावनाओं का अपना एक दायरा है। स्वाध्याय क्या करता है? स्वाध्याय हमारे सोच विचार के इस दायरे को, हमारे विचारों को परिष्कृत करता है, उनकी पुनर्संरचना करता है। इस तरह स्वाध्याय की प्रक्रिया में वैचारिक पुनर्संरचना, कॉग्निटिव और रीस्ट्रक्चरिंग होती है। यह हमारी भावनाओं का परिशोधन करता है, और फिर इसके बाद यह हमारे व्यवहार का भी परिमार्जन करता है। इस तरह स्वाध्याय से हमारे विचार, भाव व व्यवहार प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, परिमार्जित होते हैं, परिष्कृत होते हैं, और सच पूछे तो इससे व्यक्तित्व की पुनर्संरचना होती है। इस तरह से स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप हमारा व्यक्तित्व एक नए रूप में ढलता है और उसका रूपांतरण होता है। धन्यवाद।